मैं हूँ श्वेता और स्वागत है आपका बुक नर्ड्स पर। और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि बुक नर्ड्स हिंदी पाठकों के लिए एक समर्पित मंच लेकर आ रहा है, जहाँ हम सिर्फ बात करेंगे हिंदी किताबों के बारे में। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं संजीव पालीवाल सर, जो आज तक में एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, मीडिया का जाना माना चेहरा है, उपन्यासकार हैं, और इनकी दो किताबें प्रकाशित हुई है, नैना और पिशाच। और आज हम बात करेंगे इनकी किताब पिशाच के बारे में। पिशाच ये जो बुक है, इसका शीर्षक समझकर आप ये मत सोचिएगा कि एक भूतहा कहानी होगी, क्योंकि ये क्राइम फिक्शन है। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जब क्राइम फिक्शन लिखना ना, मेरे लिए, मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको बहुत टेक्निकल चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत बारीकी से सारी चीजें लिखनी पड़ती है। तो ये कितना मुश्किल था, आपने क्राइम फिक्शन ही क्यों चुना जब आपने किताब लिखी? आपकी पहली किताब भी बिल्कुल वैसी थी। बहुत बहुत शुक्रिया बुक नर्ड्स आपका, आपने मुझे इनवाइट किया, मौका दिया और आप हिंदी में इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके लिए आप पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपका पहला सवाल है, कितना मुश्किल था, मुश्किल तो बहुत था। मुश्किल तो सभी कुछ होता है जिंदगी के अंदर, जब हम पहला कदम घर से बाहर निकालते हैं वो भी मुश्किल होता है, नौकरी करने जाते हैं वो भी मुश्किल होती है, और क्राइम फिक्शन हिंदुस्तान में कोई नहीं लिख रहा, सबसे बड़ी बात यह है। तो ये और भी मुश्किल चीज है, ये एक ऐसी विधा थी जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा, जिसके बारे में कोई लिख नहीं रहा। जब मैं बड़ा हो रहा था, आप लोग उससे आधी उम्र के होंगे, जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमारे सामने 20 लोग कम से कम लिख रहे थे, जिनका लिखा हुआ हम पढ़ के पढ़े। लेकिन जब हमारे बाद की पीढ़ी सामने आई तो उसके लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि क्राइम फिक्शन वो पढ़े तो कैसे पढ़े, क्योंकि कोई लिख ही नहीं रहा, छप ही नहीं रहा। जबकि पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा दो ही चीजें बिकती हैं, एक रोमांस और दूसरा क्राइम फिक्शन। सॉलिड क्राइम बिकता है, लेकिन हिंदुस्तान में आप देखेंगे इवन इंग्लिश में क्राइम नहीं लिखा जाता, हिंदी तो छोड़ ही दीजिए, इंग्लिश में भी क्राइम नहीं लिख रहे हैं लोग, इंग्लिश राइटर्स भी नहीं है। तो मैं क्योंकि क्राइम बचपन में पढ़ा, हिंदी पढ़ा, और जब बड़ा हुआ तब क्योंकि हिंदी नहीं था तो मेरे को अंग्रेजी नॉवल पढ़ने का चस्का लग गया। और चस्का लगते लगते होता यह है कि जब आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो आपका मन करने लगता है कि आप खुद भी लिखें, आप लिख सकते हैं, आपको आइडिया आने लगते हैं। अभी मैं एक सीरीज देख रहा था आज, तो उस सीरीज के 10 एपिसोड से 8वें एपिसोड में मुझे समझ में आ गया क्या होगा, है ना। हसीन दिलरुबा पिक्चर आई थी, वो आधी पिक्चर खत्म नहीं हुई थी कि मुझे समझ में आ गया कि उसमें क्या हुआ होगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा क्राइम नॉवेल पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आने लगता है कि क्या हुआ, और जब आपको ये समझ में आने लगता है क्या हुआ तो आपका दिमाग बुलबुलाने लगता है कि यार तुम भी लिख सकते हो। मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूं, लिखना मेरा काम है, पेशा है मेरा, तो लिखने की मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे एक मोटिवेशन चाहिए था जो कि मुझे मोटिवेशन मिल नहीं रहा था। आइडियाज बहुत थे, तो मेरे सारे यार दोस्त मुझ पर हंसते थे, आप बातें करते रहते हो तुम लिखोगे उठोगे कुछ नहीं, तुम्हारे पास आइडिया हमेशा बहुत होते हैं, हर स्टोरी कहीं दिखती है तो फिर तो यार ये कितनी बढ़िया स्टोरी हो सकती है, ये कितनी अच्छी स्टोरी हो सकती है। और मैदान खाली पड़ा था। ऐसे ही एक दिन मजाक में किसी दोस्त ने, एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया कि इस देश में कोई बताइए कोई क्राइम राइटर हो। तो मैंने कहा क्यों चाहिए क्राइम राइटर, बोला एक फेस्टिवल हो रहा है क्राइम राइटर्स फेस्टिवल, उसमें किसी को भेजना है। तो मैंने कहा कब भेजना है, तो ये बात होगी मार्च की, उन्होंने कहा सितंबर में जाना है। मैंने कहा मैं लिख देता हूँ नॉवल, मेरा छप जाएगा तब तक। तो बोले लिख दीजिए। तो मजाक की बात शुरू हुई थी। सितंबर में तो नॉवेल नहीं आया था, ये बात नवंबर में अनाउंसमेंट हो गई थी कि नॉवेल मेरा आएगा, उसका कवर लॉन्च हो गया था, वो नॉवेल था नैना। तो उस एक मजाक से ये बात शुरू हुई थी, और जो काम मैं 10 साल में नहीं कर पा रहा था वो काम मैंने 6 साल में कर दिया था। और नैना सिर्फ इसीलिए लिखा गया क्योंकि कोई लिख नहीं रहा था और मुझे लगता था कि मैं लिख सकता। सही बात है सर। पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और इस मंच पे आए। नया मंच है, लोग ज्यादातर जो है हमें एनकरेजमेंट नहीं देते शुरू शुरू में, और अंग्रेजी में तो हम बहुत काफी समय से कर रहे हैं, 6-7 साल से। बट बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात, मेरा नाम रोहन राज है, मैं को फाउंडर बुक नर्ड्स हूँ, और मेरा पहला सवाल ये था कि कवर बहुत ही अच्छा है। पहली बात तो सबसे पहली बात यही है कि कवर बहुत अच्छा है, और दूसरी बात यह है कि मैं जब पढ़ रहा था तो एक कई जगहों पे मुझे महसूस हुआ कि आपने नैना को के भी रेफरेंस दिया,
पिशाच में नैना को रेफरेंस देते हुए आपने एक जो वर्ल्ड क्रिएट किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए नैना की जो स्टोरी है, नैना की स्टोरी न्यूज रूम की स्टोरी थी। एक लड़की है, छोटे शहर से आती है, एंकर बनने का कोई उसका सपना नहीं होता। ये जर्नलिज्म का कोर्स उसने किया होता है। जब वो कॉलेज में होती है उसको अपने एक साथी से प्यार होता है, उससे शादी कर लेती है और उसकी बीवी बनके वो खुश होती है। उसका हस्बैंड एक न्यूज चैनल में काम करता है और बड़ी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाता है। वो भी कहता है नैना से, तुम घर में बैठ के क्या करती हो, दोनों के एक बच्चा हो जाता है कि तुम दिन भर कब तक बच्चे पालोगी, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको भी जॉब करना चाहिए। वो नैना को नौकरी लगवा देता है क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल होता है, एक सीनियर पोजीशन पे होता है। नैना पहुंच जाती है चैनल में, फिर एक दिन वो एंकर बन जाती है और करते करते एक दिन बहुत बड़ी स्टार एंकर बन जाती है 4-5 साल। और उसके बाद किस तरीके से उसकी जिंदगी जो है में बदलाव आता है। एक साधारण सा इंसान, छोटे शहर से आया हुआ इंसान जब स्टार बन जाता है 4-5 साल में, तब उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं, उसकी अपने कुलीग्स के साथ किस तरीके की रिलेशनशिप डेवलप होती है, बाहर उसकी दुनिया में क्या होता है, बहुत कुछ घट रहा होता है कि अचानक उसका कत्ल। ये नैना की कहानी थी। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, कातिल का पता चलता है, रिलेशनशिप सारी की सारी खुलती हैं, पति के साथ क्या हो रहा था, बॉस के साथ क्या हो रहा था, कुलीग के साथ क्या हो रहा था, या आउटसाइड वर्ल्ड पॉलिटिशियंस के साथ उसी क्या रिलेशनशिप। ये कहानी वहां खत्म हो गई थी नैना की, क्योंकि वो न्यूज रूम की स्टोरी थी, न्यूज रूम में खत्म हो गई थी। मैं कुछ और लिखने चला गया था, कुछ और लिखते लिखते अचानक एक दिन मेरे दिमाग में ये आइडिया आया पिशाच की। पिशाच की स्टोरी मैंने लिखना शुरू कर दी। फिर कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, अचानक एक दिन क्लिक किया। क्योंकि जब नैना आया तो नैना के बाद लोगों ने मुझसे 2-3 सवाल पूछे जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। जो लूज एंड क्या होता है, जब आपका पहला उपन्यास होता है तो आप परफेक्ट नहीं होते, आपको आइडिया नहीं होता, तो मुझे वो आइडिया नहीं था, मुझसे कुछ लूज एंड छूट गए थे उसके अंदर। और जब मैं पिशाच लिख रहा था तो मुझे ख्याल आया अगर मैं दोनों को जोड़ दूं कहीं से तो वो जो लूज एंड है, जो छूट गई हैं बातें, इनका जवाब लोगों को नहीं मिला उपन्यास में, उनका जवाब इसमें मिल जाएगा। तो सारे जवाब मैंने पिशाच में दे दिए उसके। सीक्वल नहीं है, इंडिपेंडेंट कहानी है, पिशाच अपने आप में एक अलग स्टोरी है, लेकिन नैना के साथ वो एक पॉइंट पे आखिरी 40 पन्नों में जाके वो कनेक्ट हो जाती है। तो कोई इरादा नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बने। कहा यह जाता है किताबों की दुनिया में, लेखकों की दुनिया में, कि किरदार आपसे खुद ब खुद लिखवा लेते हैं। आप कुछ और सोचने बैठते हैं लेकिन होता कुछ और है, होता वही है जो किरदार चाहता है। तो ये नैना और पिशाच के किरदारों ने मिलके ये कॉन्स्पिरेसी मेरे साथ रची थी, उन्होंने मुझसे लिखवा। मैंने देखिए जो किताब में लिखा है वो जो समाज में हमारे होता है वो लिखा है। आमतौर पर शुरुआत में आप देखिए इन्वेस्टिगेशन ढीला चल रहा होता है तो पुलिस उठा लेती है एक दो लोगों को, 2-4 दिन रख लेती है कि लोगों का गुस्सा या मीडिया का गुस्सा थोड़ा शांत रहेगा उनकी तरफ से। और फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ अगर मिल जाता है क्लू तो उनको छोड़ देते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो ये ऐसा बहुत सारे केसेस में सामने आया है। तो वही एक ऐसी बात मैंने कहलवाई है, अगर उपन्यास अगर आप पढ़ें तो पूरा देखेंगे कंटेम्प्रेरी है, जो आज के दौर में हमारे समाज में खतरा होता है उसकी ही सारी कहानी। तो ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस मिलेंगे आपको इस उपन्यास को पढ़ते हुए। ये लगेगा जैसे आज आपके सामने सब कुछ घट रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है, न्यूज पेपर आप पलट उठा रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो इसमें लिखी है वो आपको रोज पढ़ने में मिल रही है। बिल्कुल, आजकल जो भी चल रहा है तो किरदारों को भी उसके साथ ना लिंक कर सकते हैं। जैसे जो भी किरदार आपने पिशाच में डाले है ना, तो आपको ना आसपास मिल ही जाएंगे कि हाँ ये किरदार है ना, ये इस तरीके का है, ये वाले इंसान को कुछ कर लेंगे। मैं भी नाम नहीं लूंगा, आप भी नाम नहीं लेंगे किसी किरदार का। सबको समझने दीजिए कौन क्या समझना चाहता है। क्योंकि आपने इसमें लगभग हर मुद्दा उठाया है, मतलब वो बाल यौन शोषण का हो, वो मीडिया की इनसाइड स्टोरी हो कि कैसे मीडिया मतलब सही चीजों को जनता के सामने नहीं रखता है। तो आपने लगभग हर मुद्दा उठाया इस किताब में। और सर इसके साथ ही मेरा ये भी सवाल था, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज कह दी श्वेता ने, कि सर अंदर रहते हुए एक उपन्यास लिखना जिसमें ऐसे रेफरेंस देना, ये कितना मुश्किल या आसान रहता है? देखिए पहली चीज तो ये है, जब आप किरदार लिखते हैं और उपन्यास लिखते हैं तो उपन्यास क्या होता है? उपन्यास तो वहीं से उपजेगा जो आपके अनुभव होंगे।
आप उसको बस फिक्शनलाइज करके लिख सकते हैं, कहानी रच सकते हैं। कहानी क्या है कि जो उपन्यास में कई मर्डर हुए हैं उनको मैंने एक सूत्र में पिरो दिया है, ये फर्जी है, लेकिन उसके क्या हालात जो बनते हैं, किन हालातों से गुजर के मर्डर होते हैं, परिस्थितियां क्या होती हैं, वो मैंने रियल लाइफ से उठा ली है। तो रियल लाइफ और फिक्शन जो मैंने सोचा अपने दिमाग से, उसको दोनों को जोड़ दिया है, तो उससे क्या लगता है, उपन्यास बहुत ऑथेंटिक लगने लगता है। अच्छा हाँ ये तो होता है, अच्छा ये हाँ हाँ हुआ था, अरे हाँ ये हुआ था, ऐसे होता है, तो वो सारी कहानी मैंने कर दी। उससे क्या होता है, ऑथेंटिक हो जाती है चीजें, आसान हो जाता है रिलेट करना, आपको सोचना नहीं पड़ता, अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ता है, आपके लिए आसान होता है सब कुछ। ट्रांजिशन एक जगह से दूसरी जगह जाना, घटनाओं से रिलेट करना, वो आसान होता है, किरदार से रिलेट करना आसान होता है। जो आपका दूसरा सवाल था, मुझे लगता है वो आप न्यूज रूम की बात कर रहे हैं कि न्यूज रूम जब मैं लिखता हूँ तो क्या, क्योंकि मैं न्यूज रूम का, मेरी सारी जिंदगी से ज्यादा, मतलब मेरी जितनी उम्र है उससे ज्यादा, आधी से ज्यादा उसकी न्यूज रूम में मैं गुजार चुका हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगा कि मुझे कोई मुश्किल होती या किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया इस बात को लेके, क्योंकि जो मैंने लिखा है वो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, वो एक सच्चाई है जो हम अपने चारों ओर देख रहे हैं। और इसके जो किरदार हैं वो सारे, मतलब न्यूज रूम के जो किरदार हैं वो 95% फर्जी हैं, 5% आप रिलेट कर पाएंगे, 95% सारे के सारे फर्जी हैं, वो किरदार हैं ही नहीं। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ सोचने की जरूरत थी। हाँ बस इतना ध्यान रखना था कि कोई ऑफेंड ना हो, किसी को ये ना लगे कि यार ये लाइन ऐसी क्यों लिख दी आपने, वो थोड़ा सा ध्यान रखा, लेकिन बाकी जितने लोगों ने पढ़ा सब खुश होंगे, यार बहुत अच्छा नॉवल लिखा है। मेरे साथियों ने तारीफ, मेरे कोलीग्स ने तारीफ की, मेरे नीचे जो लोग हैं उन्होंने तारीफ की, एंकर्स ने तारीफ की, तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें, किसी ने कहा ये क्या कर दिया। और हालांकि ये जरूर कहते हैं यार न्यूज रूम को छोड़ दो यार, अब बख्श दो न्यूज रूम को। यही मेरा यही कहना था कि मतलब शायद ये कहते हो कि न्यूज रूम को छोड़ दो। सर एक सवाल था मेरा, उसके बाद श्वेता पूछ लेंगी अपना सवाल। एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था और काफी मतलब आजकल चल भी रहा है, आपने जैसे हर मतलब जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसपे थोड़ा कटाक्ष कहूं क्या कहूं, मतलब उसको मेंशन तो किया ही है, ज्यादा नहीं है, पेज 92, बस 10 लाख रुपए, मंत्री और ब्लू टिक वालों को पैसा नहीं दिया, नहीं जा रहा, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के लिए है ये पैसा, 500 से 5000 रुपए देंगे, नेशनल न्यूज की औकात सिर्फ इतनी ही है। तो सर आपने इस 3 लाइन में मतलब क्या कहो, मतलब पूरा सच सामने लाकर रख दिया है। देखिए कुछ चीजें होती हैं, कई बार जरूरी नहीं है कि आपको बहुत कुछ कहना पड़े, आप एक लाइन में अपनी बात कह सकते हो, 3 लाइन में। दरअसल दुनिया को पता होना चाहिए कि होता क्या है। मैं कोई किसी पर क्या टिप्पणी करूं, टिप्पणी करने की बात नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश ये की है जो हम देखते हैं लोग ये जाने कि अच्छा ये करवाया जाता है, ऐसा होता है, इसकी टेक्निक है, इसके लिए ग्रुप्स बने हुए हैं जो ये काम करते हैं, और कोई एक नहीं सब करते हैं आज की तारीख में। छोटा बिजनेसमैन भी वो काम करता है, बड़ा बिजनेसमैन भी काम करता है, टीवी चैनल भी वही काम करता है, पॉलिटिशियन भी वही काम करता है, फिल्म स्टार भी वही कर रहा होता है, स्पोर्ट्स क्रिकेटर भी वही कर रहा होता है, सब वही कर रहे होते हैं। ये एक मॉडल है जिसको सब फॉलो करते हैं, तो किसी एक पर टिप्पणी नहीं है, पूरी व्यवस्था के ऊपर टिप्पणी है, और सबको ये बताने की कोशिश है कि आप जान लो, अपने आंख नाक कान खुले रखो, समझने की कोशिश करो कि दरअसल जो तुम्हें दिखाई देता है, जो बताया जाता है, वो क्या होता है। सर मेरा एक सवाल आपसे है, आपने रेफरेंस किया था एक वेब सीरीज का, हसीन दिलरुबा, तो एक्चुअली वहां पे भी अपने क्राइम को छिपाने का आइडिया भी उन्हें एक किताब से ही मिलता है, जो कि होती है कसवाले का कहर। तो सर मेरा ये सवाल है कि जब आपने ये किताब लिखी तो आपके बैक ऑफ माइंड या आपके दिमाग में ये बात थी कि हो सकता है कहीं इसका कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट या नकारात्मक प्रभाव पड़े, कितना जोखिम भरा हो सकता है क्राइम फिक्शन लिखना? नेगेटिव किस चीज पर नेगेटिव प्रभाव पड़े? नेगेटिव इन द सेंस सर, ऐसा हो सकता है कि जैसे लोगों, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि क्राइम फिक्शन पढ़ने से क्राइम करने का आइडिया आता है, कुछ लोग किताबें पढ़ के क्राइम करते, उन्हें बुक्स पढ़ के आइडिया आ जाता है। तो सर मेरा रेफरेंस यही था कि मतलब जैसे सर खबर आई थी कि किसी ने साइलेंस ऑफ द लैम्स को देख के कुछ ज्यादा वो हो गया, इंस्पायर हो गया। मैंने कुछ दिन पहले भी कहानी पढ़ी थी जिसमें जिसका टैगलाइन ये था कि एक मर्डरर जो किताबें पढ़ के मर्डर करता है, तो
ये चीज आपके दिमाग थी? ना, राइटर के दिमाग में ये बात होने लगी कि तो राइटर लिखेगा ही नहीं। ऐसा हुआ है पाठक जी के, सुरेंद्र मोहन पाठक जी के साथ हुआ था, उनकी किताबें पढ़ के एक बंदा चला गया था चोरी करने के लिए। तो वो होता है, पर ठीक है, सब लोग सब तरीके के लोग होते हैं, लेकिन लेखक का काम तो लिखना है। अब कोई किस चीज से इंस्पायर हो जाए क्या पता चलता है, बट ऐसा कुछ माइंड में नहीं था। हमारे यहाँ तो लिखा ही नहीं जा रहा, पाठक जी लिखते हैं और अब मैंने लिखना शुरू किया है। तो नेगेटिविटी का कोई सीन नहीं है, क्योंकि अगर आपने आप तो ये किताब पढ़ी है, इसको पढ़ के आपको क्या आइडिया लगेगा? इसको पढ़ के तो यही है, ओहो अच्छा ऐसा होता है, आहा अच्छा ये करते हैं। ये तो नॉलेज, उस तरीके की नॉलेज आपको बता रही है कि हमारे समाज में जो घटनाएं घट रही है, ये समाज का दर्पण है एक तरीके से। अगर हम इसको देखें तो ये एक आईना है जो ये दिखा रहा है कि दरअसल हम जा किस डायरेक्शन में रहे हैं, हो क्या रहा है हमारी दुनिया। ये क्राइम को बढ़ावा नहीं देता, ये एक हमारे सामान्य ज्ञान को बढ़ावा देने वाला उपन्यास है जो ये बताता है कि दरअसल हो क्या रहा है। बिल्कुल सर, नहीं क्योंकि ना मैंने बहुत लोगों से ये सुना है कि क्राइम फिक्शन ऐसे, मतलब घर में भी मना किया जाता है कि क्राइम फिक्शन की किताब, ये सारी किताबें नहीं पढ़ो, भ्रमित हो जाता है, गुमराह हो जाता है। मैं एक सवाल पूछूं आपसे, हाँ आपके घर में न्यूज़पेपर आता है? हाँ हाँ कौन सा न्यूज़पेपर आता है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 रोज गिनिएगा और देखिएगा कितनी क्राइम की स्टोरी उसमें छपी होती है। हिंदुस्तान के जितने न्यूज़पेपर हैं हिंदी के, जो लोकल पेजेस होते हैं, उनमें क्राइम के अलावा 40-60% हर पेज पे क्राइम की स्टोरी छपी होती है, हर पेज पे। इस देश का ये दुर्भाग्य है कि इस देश में सबसे ज्यादा क्राइम रिपोर्ट किया जाता है और हम सबसे ज्यादा क्राइम पढ़ते हैं अखबारों में। बस हमने किताबों में लिखना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि हमको लगने लगा कि हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे। हमारे बच्चे अखबार पढ़ के खराब नहीं होते, लेकिन माँ बाप को ये लगता है किताबें पढ़ के खराब हो जाएंगे। वो अखबार जरूर मंगाएंगे जिसके 3 पन्नों में क्राइम की खबरें होती हैं। आप खोल के देख लीजिएगा, मेरी बात आज नोट कर लीजिएगा, अब कल देखिएगा गिनिएगा उसमें कितनी क्राइम की स्टोरी छपी है। छोटी चोरी से लेके मर्डर की, गबन की, साइबर क्राइम की कितनी स्टोरी है। तो ये एक वहम है हमारे दिमाग में, हमारे माँ बापों ने पता नहीं कौन सा क्राइम पढ़ा अपनी जिंदगी के अंदर जो उन्हें लगता है कि उनके बच्चे क्राइम पढ़ के खराब हो जाएंगे। ये एक मुझे आज तक ये फिलॉसफी समझ में नहीं आई। मेरी माँ को भी यही लगता था कि मैं अगर क्राइम की किताबें पढ़ूंगा तो खराब हो जाऊंगा। आज जब वो देख रही है, मैं अभी जाऊंगा तो उनसे पूछूंगा कि अब तो मैंने 2 किताबें लिख दी क्राइम पर, अब आप क्या कहती हो? उस दिन तो बड़ी खुश थी कि जब वो फेसबुक पे तो सिर्फ पिशाच ही पिशाच नजर आता है मुझे, कह रही वो तो बड़ी तारीफ हो रही है उसकी। तो मैं पूछूंगा इसके लिए आपने मुझे इतना मारा, इतना पीटा बचपन में, क्योंकि मैं मनोहर गांधी पढ़ता हुआ पकड़ा जाता था, सत्यकथा पढ़ता हुआ पकड़ा जाता था, तो इतना बहुत पिटाई हुई है मेरी भी। आपके साथ अकेले नहीं हो आप ऐसे, मैं भी बहुत पिटा हूँ बचपन में इन किताबों के लिए। नहीं, माँ बाप को क्या लगता है? सर किताबों की बात हो रही है तो आपने जैसे बताया कि बचपन में आप पकड़े जाते थे मनोहर कहानियां पढ़ते हुए और बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, अब समय मिलता है कि नहीं मिलता? क्योंकि कहते हैं कि मैं जिन भी राइटर्स के साथ बात करता हूँ तो मतलब ज्यादातर जो है वो पढ़ते रहते हैं, मतलब आगे बढ़ने के लिए, मतलब अपनी शायद टेक्निक में आगे बढ़ने के लिए या अपना एक क्या बोलते हैं जो वर्ल्ड होता है उसको थोड़ा इंक्रीज करने के लिए। आप कुछ ऐसा करते हैं या वैसे तो आप जर्नलिस्ट हैं तो आपके पास वैसे ही बहुत स्टोरीज है, बट फिर भी कहानियां बहुत है आपके पास, बट फिर भी ऐसा होता है कि आपको समय मिलता है किताबें पढ़ने का? मैं टीवी कम देखता हूँ, मैं टीवी उतना ही देखता हूँ जितना मेरे लिए जरूरी है। मैं पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और मैं ज्यादातर क्राइम पढ़ता हूँ। क्राइम क्योंकि इंग्लिश में आता है, इंग्लिश पढ़ता हूँ, हिंदी में भी कुछ किताबें रेगुलर बेसिस के ऊपर मैं पढ़ता रहता हूँ। हिंदी में क्राइम नहीं मिलता तो जो नए राइटर्स हैं उनकी कुछ किताबें पढ़ता रहता हूँ। पुराना मैंने काफी पढ़ा हुआ है, तो जब जवान हो रहा था उस वक्त पुराना काफी पढ़ा हुआ है, तो नए राइटर्स की पढ़ता रहता हूँ। और आजकल ट्रांसलेशन अच्छा मुझे मिल जाता है, कुछ नए लोग अच्छा ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वो ट्रांसलेशन मिल जाता है हिंदी में, वो पढ़ लेता हूँ। हिंदी पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप हिंदी लिख रहे हैं और आप पढ़ेंगे नहीं हिंदी तो आपके पास शब्द नहीं आएंगे, इसलिए हिंदी पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं हिंदी के 4 पेपर रोज पढ़ता हूँ, इंग्लिश पेपर भी पढ़ता हूँ, पेपर न्यूज़पेपर मैं सारे पढ़ता हूँ। सुबह 12-14 न्यूज़पेपर मेरे घर में आते हैं, 3-4 मैगजीन्स आती हैं,
वो मैं पढ़ता हूँ, प्लस नॉवल तो बहुत पढ़ता हूँ, अभी भी 8-10 नॉवल ऐसे रखे हुए हैं जो पढ़ने हैं, जो मेरी वो लिस्ट में हैं, जिनको पढ़ना है, शुरू नहीं कर पाया हूँ अभी। पिशाच के लिए आजकल उसका प्रमोशन क्योंकि चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा बिजी हूँ, बट मैं पढ़ता लगातार हूँ क्योंकि पढ़े बगैर जिंदगी नहीं है, आपको दुनिया जाननी है, अपना दिमाग खुला रखना है, तो पढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक से आपकी जिंदगी नहीं बनेगी, जिंदगी आपकी पढ़ के ही बनेगी। और मैं क्योंकि राइटर हूं, अगर मैं दूसरे राइटर्स को नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं समझूंगा कि वो क्या लिखते हैं, तो मैं खुद को कितने इम्प्रूव करूंगा। आप पढ़ के ही इम्प्रूव कर सकते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप ये सोचे कि आप जो पढ़ रहे हैं दूसरे का लिखा हुआ पढ़ेंगे तो आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, उनकी नकल करने लगेंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, इतना जरूर होता है जो उनका लिखा पढ़ते हैं तो आपको भी लगता है कि यार उतना शार्प हमको लिखना चाहिए, ऐसे आइडियाज हमारे पास होने चाहिए, ट्विस्ट एंड टर्न्स उन्होंने जितने बढ़िया लिखे हैं उतने मैं नहीं लिखता, मैं कुछ और सोचूं और सोचूं और सोचूं, तो मुझे सोचने के लिए मजबूर करते हैं। कुछ उपन्यास जो पसंद आए हो पिछले 2-3 साल में बताना चाहेंगे, क्योंकि हिंदी दिवस भी है तो इसलिए मैं पूछ रहा था। कुछ लोग शायद जो आप हमें बताना चाहिए कि हाँ ये किताब पढ़नी चाहिए। मैंने अभी पिछले साल, अभी जब पिछले कुछ अगर 8-10 चीजें बताऊं मैंने हिंदी में क्या पढ़ा है, तो मैंने देव प्रकाश दुबे की इब्ने बतूती पढ़ी, सत्यव्यास की 84 पढ़ी थी मैंने, आशुतोष गर्ग हैं उनकी कल की करके किताब आई थी, बहुत अच्छी किताब है, वो पढ़ी थी मैंने। देन मैंने जो अमिताभ घोष की किताब का ट्रांसलेशन मनीषा तनेजा ने किया था जिसका नाम है बंदूक द्वीप, वो पढ़ी मैंने। गन आइलैंड का ट्रांसलेशन आया बंदूक द्वीप, बहुत खूबसूरत किताब है, बढ़िया, और ट्रांसलेशन उसका बहुत अच्छा है। वो पढ़ी मैंने। राजदीप सरदेसाई की इलेक्शन के ऊपर किताब थी, उसका ट्रांसलेशन आया, वो पढ़ा मैंने। देन अभी एक किताब साहिर पर आई है, वो पढ़ रहा हूँ मैं, वो भी ट्रांसलेशन है साहिर पर। और इस वक्त एक किताब आई है, उसका नाम मुझे याद नहीं, अभी परसों ही मेरे हाथ लगी और वो बैठे बैठे मैं उसके 50 पन्ने पढ़ गया। वो कोई बहुत मशहूर किताब है, 40 रूल्स ऑफ लव, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में, एलिफ शफाक। क्या अद्भुत किताब है, ऐसी किताब मैंने उसको खोला और मेरे मन नहीं किया कि मैं उसको रख दू, जबकि मैं कोशिशें करता हूं मैं क्राइम ज्यादा पढ़ूं, इस तरीके की चीजें कम पढ़ूं, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में पढ़ता रहता हूं। उसका हिंदी ट्रांसलेशन आशुतोष गर्ग ने किया है और मुझे इतना आनंद आया उस ट्रांसलेशन में, मैंने सीधा फोन लगा दिया आशुतोष को, मैंने कहा भाई अद्भुत ट्रांसलेशन किया है। शुरुआती तब तक मैंने 22 पन्ने पढ़े थे उसके, इतना मजा आ रहा है, लग ही नहीं रहा कि मैं इसको इसका ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनली किसी ने हिंदी में किताब लिखी है। अगर इसके किरदारों को हटा दूं मैं, ये भूल जाऊं कि इसका बैकड्रॉप क्या है, और वैसे भी रूमी रूमी हम सबको प्रिय हैं, तबरेज हम सबको प्रिय हैं, तो मतलब दो ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में जानने की जिज्ञासा शायद सबकी होती होगी। तो और अभी तक ऐसा कुछ आया भी नहीं था सर, मतलब हिंदी ट्रांसलेशन कोई बहुत बढ़िया इसका आया भी नहीं था, नहीं आया था, तो ये अभी आया है और मुझे इसमें बहुत आनंद आ रहा है। तो ये सब चीजें हिंदी में पढ़ी हैं अभी मैंने पिछले कुछ टाइम में, अगर मैं एक साल की बात बताऊं तो आपको। सर आपका टाइम मैनेजमेंट, एक और नॉवेल मैंने राजमिटनी पढ़ा था, गीता श्री का वो पढ़ा था, भगवान दास मोरवाल के दो उपन्यास थे वो वंचना और एक और था वो पढ़ा था, गीता श्री हो गया, इसके अलावा एक मनीषा कुलश्रेष्ठ का उपन्यास आया था वो पढ़ा था मैंने, पढ़ा मैं पढ़ता रहता हूँ बीच बीच में, लेकिन ये मेरा कम है, मतलब हिंदी इतने मैंने आपको फिर भी 10-12 बता दिए एक साल पढ़ ली। सर काफी अच्छा टाइम मैनेजमेंट है आपका, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है सर, क्योंकि नौकरी करते हुए टाइम निकालना इतना आसान नहीं होता ज्यादातर लोगों की। हमारे हमें जो सुन रहे हैं उन लोगों को इतनी अच्छी किताबें रिकमेंड करने के लिए सर आपका शुक्रिया, जो लोग हिंदी की किताबें पढ़ रहे हैं पढ़ें, क्योंकि पढ़ने के बगैर मैं तो बार बार कहता हूं अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो किताबें पढ़ना शुरू करें, यकीन मानिए आपके लिए नए रास्ते बनते चले जाएंगे। हिंदी किताबों की बात हो रही है तो मुझे ना एक एक संवाद याद आ रहा है आपके पिशाच किताब में,
जब अंजलि सिन्हा समर से बात करते हुए हिंदी किताबों के बारे में बोलती है कि हिंदी किताबें फाउंडेशन में जाती हैं सरकारी लाइब्रेरीज के लिए, नहीं तो हिंदी पब्लिकेशन हाउसेस बंद हो जाएंगे। तो अभी मौका भी है और हिंदी दिवस भी है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर ऐसे कितने मंच की आवश्यकता है, क्यों मतलब हिंदी किताबों को लेके लोगों की जो लोगों के पढ़ने का जो रुझान है वो कम क्यों है, और इसे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा काम तो आप कर रहे हैं, बुक नर्ड ने जो ये किया है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, हिंदी भाषी लोगों तक, आप पहले अंग्रेजी में थे, अब आपने हिंदी के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, हिंदी पेज स्टार्ट कर दिया, ये बहुत जरूरी चीज है। देखिए जिसे कहते हैं ना कि अगर आप सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दें, लोकतंत्रीकरण कर दें, तो ये होता है, एक जमाना ये होता था अगर मैं कुछ लिखना चाहता था तो मैं लिख लूं, मुझे सुनने वाला कोई नहीं है, मुझे छापने वाला कोई नहीं है, मैं अपनी किताबें अगर कॉलम लिखा या कहानी लिखी तो मैं क्या करता था, मैं पहले उसको एक लिफाफा लेता था, दो लिफाफे खरीदता था, उसमें डाक टिकट लगाता था एक में, उसको अपनी रचना के साथ एक दूसरे लिफाफे में बंद करता था और वो प्रकाशक के यहाँ भेजता था। अगर मेरी रचना रिजेक्ट हो जाएगी तो जो लिफाफा मैंने भेजा उसमें वो मुझे वापस भेज देंगे। आप सोचिए क्या जमाना होता था एक जमाने में, अपनी कहानी अपनी कविता छपवाने के लिए किसी पत्र पत्रिका में आपको एक वापसी का लिफाफा साथ भेजना पड़ता था कि यार वापस कर देना अगर रिजेक्ट कर दो तो। आज क्या जमाना है, आई डोंट केयर कौन छापेगा नहीं छापेगा, मैं खुद ही छाप लेता हूँ चीज, है ना, मैं फेसबुक पे लिख दूंगा, मैं ट्विटर पे लिख दूंगा, मैं ज्यादा सहजी हूँ तो इंस्टाग्राम पे बहुत बढ़िया सा सजा सजू के म्यूजिक लगा के उसको वहां चला दूंगा, कुछ नहीं होगा, ऑडियो वीडियो खुद ही बना लूंगा, आप हो कौन। तो आज के दौर में हर इंसान लेखक है, हर इंसान कवि है। दूसरा, आपके जैसे प्लेटफॉर्म जो हैं वो उसको मंच मुहैया करा रहे हैं, वो आप लोगों को एनकरेज करते हैं कि आप भी स्टार हो, आप में भी क्षमता है, शर्त ये है आपके अंदर कुछ अलग होना चाहिए दूसरों से। अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में हुनर है, तो यकीन मानिए आपके लिए जिंदगी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आपकी राह आसान हो जाएगी, आप छप भी जाओगे, आप राइटर भी बन जाओगे, आप स्टार बन जाओगे, आप ऑथर बन जाओगे। तो आप लोगों की वजह से और भी कई मंच हैं इस तरीके के जो ये काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यही इस तरीके के मंच हिंदी को जो उसका गौरव है वो वापस दिलाएंगे, मतलब छपने के मामले में हिंदी को किसी गौरव की जरूरत नहीं, हिंदी अपने आप में बहुत बड़ी भाषा है, उसको किसी के गौरव और किसी के ठप्पे की जरूरत नहीं है, लेकिन आज भी छप नहीं पाते, आज भी छपना का एक सपना होता है कि इस तरीके के उपन्यास उनके छप जाए या कविता संग्रह छप जाए। मेरे लिए जिंदगी थोड़ी सी आसान थी क्योंकि मैं एक एस्टेब्लिश नाम था, एक बड़े पद पे काम करता हूँ, मेरा थोड़ा नाम हो गया, तो मेरा मुझे एक्सेस आसानी से, मैं फोन उठा के किसी से बात कर सकता हूँ, लेकिन जो लोग छोटे शहरों में हैं जो किसी को जानते नहीं हो किससे बात करें, वो आपके पास आते हैं, आप उनको मंच देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, इसको आप कंटिन्यू करें और जिससे कि नए संजीव पालीवाल तो एक हैं, हजारों लेखक हैं। हम भी यही चाहते हैं सर, और मैं इसी बात पे एका वेस्टलैंड को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें ये सेशन करने दिया, और सर थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, उसके बाद तो हम लोग क्लोज करेंगे शायद सेशन। एका वेस्टलैंड के साथ आपका कैसा रहा? मैं एका वेस्टलैंड के साथ मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता है, बहुत बढ़िया रिश्ता है। तो जब मैंने नैना लिखी थी तो हुआ यूं कि आज से करीब 2013 या 14 में एक राइटर हैं, उन्होंने मुझसे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि मैं उपन्यास क्यों नहीं लिखता, मेरे एक साथी हैं, उन्होंने उनको बता दिया कि उपन्यास लिखो। तब मीनाक्षी वेस्टलैंड में नहीं थी, कहीं और होती थी, तो मीनाक्षी ने मुझसे कहा कि आप लिखिए, उन्होंने कह दिया ये क्राइम लिखना चाहते, तो उन्होंने कहा लिखिए, पर वो लिखा नहीं मैंने, ये 2014 या 15 की बात है, हुआ नहीं पूरा। तो जब मेरा उपन्यास ये नैना पूरा हुआ तो मेरे उन्हीं साथी ने कहा देखिए आपसे मीनाक्षी ने तब आपको कहा था लिखिएगा, आप पहले उन्हीं को अप्रोच कीजिए। तो तब मीनाक्षी अब वेस्टलैंड में आ गई थी, वेस्टलैंड जो है अमेजोन की एक कंपनी है, एका एक इम्प्रिंट है जो हिंदी में एका के नाम से किताबें छपती हैं, और जो ट्रांसलेशन है वो सारे एका के नाम से, एका वेस्टलैंड के नाम से छपते हैं। तो मीनाक्षी ने उस उपन्यास को पढ़ा,
और उन्होंने कहा ठीक है हम उसको छापेंगे। तो नैना छप गया। फिर दूसरा उपन्यास, उन्होंने कहा ऐसा है आपका एक तो छापेंगे नहीं, हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे लिए दो उपन्यास लिखें। मैंने कहा यहाँ तो एक नहीं लिखा जा रहा, आप दो उपन्यासों की बात कर रही है। फिर मैंने ऊपर से कहा दो क्यों, तीन कर लीजिए, मैंने चौड़े होते हुए कहा। उन्होंने कहा नहीं नहीं दो काफी है, दो का एग्रीमेंट कर लेते हैं, आप हमें दो दे दीजिए। नैना या नैना आते ही लॉकडाउन शुरू हो गया, लेकिन उसके बावजूद नैना अच्छा सक्सेसफुल हुआ, उसकी पहचान। फिर पिशाच आया, पिशाच में मेहनत ज्यादा हुई, नैना के मुकाबले पिशाच में मेहनत ज्यादा हुई, पब्लिशर की तरफ से भी मेरी तरफ से भी। और पब्लिशर का बहुत बड़ा रोल होता है, मुझे समझ में आया पिशाच में। मीनाक्षी है वहां और पल्लवी है और अमृता तलवार है, तीन लोग हैं, तीनों लोग एक टीम की तरह काम किया है इन लोगों ने मेरे साथ, और बहुत अच्छी, आप खुद ही देख रहे हैं कि क्या बढ़िया क्वालिटी इस किताब की आई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हिंदी में सर देखा गया है कई बार जो है कवर और इन सब चीजों में थोड़ी सी कमियां रह जाती है, जो कि इस किताब में बिल्कुल नहीं है। क्वालिटी वाइज मतलब A1 है। So, आज की तारीख में अगर आप एका वेस्टलैंड को देखेंगे तो जितने इंडिया के बड़े ऑथर्स हैं सब वेस्टलैंड के पास हैं। चाहे आप मनीष त्रिपाठी का नाम ले लीजिए, चाहे आप चेतन भगत का नाम ले लीजिए, चाहे आप अश्विन सागी का नाम ले लीजिए, और या फिर संजीव पालीवाल का नाम ले लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। और श्वेता आपके पास कोई सवाल है तो वरना हम। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे हमारे पाठकों को या हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी किताबें रिकमेंड करने के लिए। तुम और मैं आपको इस किताब के लिए बधाई देना चाहती हूँ, काफी लोकप्रिय हुई है देखा जाए तो ये हिंदी किताब, और मुझे लगता है कि ये किताब एक मील का पत्थर साबित होगी हिंदी किताबों हिंदी पाठकों के बीच में। तो शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, दोनों लोगों का और बुक नर्ड्स का, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी पाठकों को, नए नए पाठक हिंदी के तैयार कीजिए और पाठकों के साथ उनको लेखक बनाइए। ये जो शुरुआत आपने की है इसको अपने अंजाम तक पहुंचाइए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।